भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के घर नन्ना मेहमान आया है। वो प्यारे से बच्चे के पिता बन चुके हैं। हार्दिक ने अपनी इस खुशी को सोशल मीडिया पर चाहने वालों के साथ साझा किया है। ऑलराउंडर की मंगेतर नताशा ने गुरुवार को एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके साथ अपनी तस्वीर हार्दिक ने शेयर की है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर गुरुवार के एक बच्चे के पिता बन चुके हैं। उनकी मंगेतर नताशा के गर्भवती होने की खबर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। इस साल पहली जनवरी को हार्दिक ने मॉडल नताशा से फिल्मी अंदाज में सगाई की थी। अपने इंस्टाग्राम टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर ने बच्चे की पहली झलक दिखाई। उन्होंने बहुत ही प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके बेटे की कोमल उंगलियों को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा है। शनिवार को हार्दिक ने अपने बच्चे की पहली तस्वीर फैंस से साथ साझा की। ट्विटर पर उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिए एक तस्वीर पोस्ट की। ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की है और हार्दिक ने सिर को ढक रखा है। वे अस्पताल के नीले कपड़े में नजर आ रहे हैं और उनके पास नर्स खड़ी दिख रही है। पांड्या परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन पर उनके लाखों फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। हार्दिक बच्चे के जन्म से ठीक पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाने रांची भी गए थे। इस दौरान उनकी मंगेतर भी उनके साथ नजर आई थी। सोशल मीडिया पर हार्दिक लगातार नताशा के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। उन्होंने मंगेतर के बेबी बम की भी कई तस्वीरें फैंस के साथ साझा की थी। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी थी। फोटो में नताशा गर्भवती दिखाई दे रही थी। हार्दिक ने मई में इंस्टाग्राम पर लिखा था, नताशा और मेरा सफर शानदार रहा है और अब हमारा ये सफर और भी बेहतर होने वाला है। हम जल्द ही एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। हम अपने जीवन के एक नए फेस को लेकर बहुत खुश हैं और आपकी दुआओं और आशीर्वाद चाहते हैं। 1 जनवरी को हार्दिक ने खुद सोशल मीडिया पर नताशा के साथ एक फोटो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या का बेबी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।